हाँ जगह मिल गई। अरे संतू कहाँ था, दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेट हो गया था। ए, देख इसको, एक मेंटेन करने के लिए बोला, दो दो मेंटेन कर रहा है, देखा। और अपने हाथ में लोटा। चुपचाप बैठो। और ये लोटा क्या है? तू ही तो लोटा सही बोला। ए, पागल, कभी भी देखो कहाँ दिखता रहता है। कुत्ते बंद कर मुँह तेरा। मैंने जैसा बोला वैसा कर जी। हाँ एक मिनट, इसकी औकात है, जिसको दिखा देते हैं। ए रुद्रा, तो अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी नहीं बिताना चाहता है क्या? सारे धंधे छोड़ दे। कभी किसी से डरा नहीं, अब तुझसे डरूंगा क्या? तेरे जैसे कई आए और गए। डरना पड़ेगा, अगर नहीं डरा तो डराऊंगा। ये गांव और तुम्हारे धंधे छोड़ के तुम्हें भागने पे मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी मोहन नहीं। करेगा करेगा। ए चमचे, ये सब तेरा ही काम है, मुझे पता है बेटा। एक ना एक दिन तो प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज हम विजयनगर के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। ये विजयनगर के इतिहास को स्थापित करने वाले हरिहर और हक्का बुक्का हैं। ये विजयनगर जाना जाता है श्री कृष्ण देवराय की वजह से। उनके टाइम में विजयनगर बहुत अलग था। उन्होंने विजयनगर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ही तरक्की के रास्ते ढूंढे, समाज में अच्छे कार्य किए। उनकी वजह से आज भी विजयनगर उनको याद करता है। उनके जैसा सेवक दोबारा विजयनगर को नहीं मिला, इसलिए विजयनगर आज भी। क्या हुआ सविता, तबीयत खराब है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं ठीक हूँ। आधे घंटे से मैं चिल्ला चिल्ला के सबको पढ़ा रहा हूँ, कोई पागल चिल्ला रहा है ऐसा समझ के तुम सर नीचे करके सो रही हो। गेट आउट। चलो सब लोग जाओ। लेक्चरर डांटते हैं तो अच्छे के लिए डांटते हैं ना। सविता, यहाँ चुपचाप बैठ के रोने से क्या फायदा? तुम जाओ यहाँ से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हुआ है? क्या हुआ? सुबह तुझे और संतु को साथ में देख के मुझे अभी भी जलन हो रही है। ओ, तो ये बात है क्या संतु? मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त यार, मेरा कोई नहीं है। मुझे कभी इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और जब से तुम मुझे मिले हो तुम मेरे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड बन गए हो। उन सबको मैं तुम्हें देखती हूँ, मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। और जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो वो सब भी भूल जाती है। इतनी सब फीलिंग होने के बाद भी मैंने तुम सब लोगों से दूर जाने का डिसीजन लिया है। ये तो क्या बोल रही है सुमन? हाँ, मेरी शादी फिक्स हो गई है। मेरी शादी तुम और तुम्हारे दोस्त लोग मिलके और एकदम धूमधाम से करवाओ, बस इतना ही। मेरी बस इतनी सी ही इच्छा है। प्लीज़, मेरा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूँ। तुम लोगों के सिवाय मेरा कोई नहीं है। उसके लिए क्यों टेंशन ले रही है? हम सभी दोस्त लोग तेरी शादी जो है ना, उसको ना पूरे धूमधाम से करेंगे, ठीक है? बस यही बात हुई। ए सविता, तू संतु से बहुत प्यार करती है, ये मैं जानती हूँ। अरे अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सविता चल निकलती है। हाँ उधर देख संतु। कितना लेट हो गया, चलो ना। बाय।
अरे चढ़ावे के लिए तो पैसे ही नहीं है यार, क्या करूं? हे भगवान जी माफ कर देना। अरे चलो कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देंगे। ए सविता, धूप बत्ती जला दे और दिया जला दे, आंख बंद करके भगवान से जो मांगेगी वो मिलेगा तुझे। लो, पहला पीरियड ही सोडे वाले का है, सुबह सुबह ही उसका रहता है। नहीं बोलने के बाद भी जरा लेके जाता है। सुनना बसिया, आज पिक्चर चलते हैं ना? हाँ चलते हैं ना, सब लोग चलते हैं। क्या बोलता संतु? हाय संतु। हाँ हाय। इस पागल को देखो, इसे मुझे घूमने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये लो मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड, तुम सभी को एक साथ आना है एक ही टाइम पे, समझ गए? आएंगे आएंगे, पक्का आएंगे। बाय बाय। जोर का झटका धीरे से लगा क्या? सही बोला। बाय। चलो चलो चल यार, चलो बहुत देर हो गई यार, चलना बैठ। कुछ भी बोलता है, किधर गई, आई नहीं अभी तक। ए, 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 संतु, कहां जा रहा? तुम चलो, मैं आ जा रहा हूं। अरे बाय। यस, आज तो इतनी देर हो गई फिर भी नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्या माज रहा है। क्या हुआ, कॉलेज नहीं गए? किसका वेट कर रहे हो? क्यों, तुम कॉलेज नहीं जा रही क्या? जाना तो है, वो घर पे मेहमान आ गए थे ना, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अच्छा तुम्हें कॉलेज ही जाना है ना? वो ठीक है, तुम सोचते रहो, मैं तो चली कॉलेज। ओके। ए रुको, मैं भी चलता हूँ। साथ में चलते हैं। ये क्या, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। संतो तुम सारे करते हो ना, बात तो वही है, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पापा। क्या हुआ? बाप रे, बच गया मैं, पापा के हाथ लग जाता तो गड़बड़ी हो जाती, मैं तो गया था आज। संतु तुम अपने पापा से इतना डरते क्यों हो? क्यों नहीं डरूंगा यार, पता नहीं कौन से टाइम में पापा का नाम रुद्रा रखा गया, अगर आंख बड़ी करके भी देख लेते हैं ना तो पूरी फैमिली थर 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 कांपती है। ये ले जला। अभी खा खा के एक क्विंटल हो गया है तू, ऐसे ही खाता रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर होके घर के सामने ही धुआं निकलता रहेगा, देखना पूरा शरीर खराब कर लिया। आगे क्या करेगा, क्या पता आगे की बात ही खत्म हो जाती है। चुपचाप चाय पियो और चलो,